हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली गर्ग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है बोर ब्यूटी स्कीम। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर एंड ब्यूटी की स्कीम बताने वाली हूँ। और गाइस, साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एटम्स के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हर एक एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आस पास रेवोल्यूट करते हैं एक डेफिनेट पाथ पर, जिसे ऑर्बिट्स या फिर शेल्स कहा जाता है। अब गाइस, बात आती है कि इन ऑर्बिट्स और शेल्स में कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, वो हम कैसे भी कर सकते हैं। तो गाइस, ऐसा नहीं होता। दो साइंटिस्ट थे, बोर एंड ब्यूरी, जिन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हर एक शेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो गाइस, उनके कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बोर ब्यूरी स्कीम। गाइस, इस स्कीम के हिसाब से ये स्कीम बताती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। पर्टिकुलर शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वो ये स्कीम बताती है। गाइस, बोर एंड ब्यूरी ने एक फॉर्मूला दिया था 2n2। इस फॉर्मूले के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हर एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो गाइस, इस फॉर्मूले के थ्रू हम पता लगा सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है गाइस, यहां पर जो n है वो है सीरियल नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट। गाइस, यहां पे n डिनोट कर रहा है सीरियल नंबर ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट। गाइस, अगर n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 1 का मतलब है फर्स्ट शेल। तो गाइस, अगर n की वैल्यू 1 है तो हम 2n स्क्वायर में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर आएगा 2 1 का स्क्वायर 2 × 1, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। गाइस, जो फर्स्ट शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब सेकेंड वाली शेल, तो गाइस अगेन यहाँ पे हम 2n स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 का स्क्वायर 2 × 4 इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब गाइस, जो सेकेंड वाली शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 8 का मतलब है कि 8 से कम आ सकते हैं, बट 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 8 तक रहने चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, देन गाइस, अगर n की वैल्यू 3 लेते हैं, तो अगेन 2n स्क्वायर में हमने पुट करा, तो 2 3 का स्क्वायर 2 × 9, मैक्सिमम आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब गाइस, थर्ड वाली शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब 18 से कम आ सकते हैं, बट 18 से ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 4 लेते हैं, तो 2n² 2 4 का स्क्वायर 2 × 16 इक्वल्स टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। जो फोर्थ वाली शेल है उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अब गाइस बात आती है कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहले हम सेकंड शेल में भर दें, फिर फर्स्ट में भर दें, फिर फोर्थ में, फिर थर्ड में। ऐसा नहीं होता गाइस, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में ही आते हैं, जिसमें 2 मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर ये फर्स्ट शेल फिल हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचते हैं, तो देन हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड शेल पे। देन सेकेंड शेल पे मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। अगर ये फिल हो जाती है, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में भी आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अगर बचते हैं, तो गाइस फिर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं थर्ड शेल में। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं, पहले फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में और फिर फोर्थ में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा।
गाइस आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 1 to 20 एलिमेंट्स तक आ रहे हैं, तो सिर्फ हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब गाइस कभी कभी क्या होता है, जो एटम्स होते हैं मान के चलिए उसकी फर्स्ट शेल फिल हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकेंड शेल फिल हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पर गाइस कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपनी थर्ड वाली शेल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रहने देते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। क्यों गाइस ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी थर्ड वाली शेल स्टेबल हो जाए, और गाइस शेल तभी स्टेबल हो सकती है जब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तभी शेल स्टेबल हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। अब इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। गाइस मान के चलिए हम ले रहे हैं पोटेशियम का एग्जांपल, ठीक है। गाइस पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 19। एटॉमिक नंबर 19 का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 19 होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होते हैं। अब गाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 है, तो इससे हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल, इसी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब गाइस पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 19 इलेक्ट्रॉन्स। गाइस शेल को जो हम नंबर देते हैं वो कैसे देते हैं, पहली शेल होती है के शेल, देन एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस टाइप से नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। गाइस ये होगी फर्स्ट शेल, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकेंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, दिस इज फोर्थ शेल। अब गाइस पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो फिलिंग स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वाली शेल से, जिसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। तो फर्स्ट वाली शेल में मैक्सिमम कितने आ गए, इधर 2 आ गए, ठीक है। अब गाइस 19 में से 2 तो फिल हो गए, बचे कितने, अभी 17 बचे इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकेंड शेल में आते हैं, गाइस 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली सेकेंड वाली शेल में आराम से 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। टोटल फिल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। गाइस 19 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, कितने बचे अभी, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। अब गाइस एम शेल में 18 आ सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे सारे 9 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, ये जो पोटेशियम का एटम है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसको स्टेबल होना है, इसको अपनी थर्ड शेल को स्टेबल करना है, तो ये क्या करेगा, अपनी थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहने देगा, तो इसकी थर्ड शेल क्या हो गई, स्टेबल हो गई। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो गाइस 1 इलेक्ट्रॉन को ये अपनी फोर्थ वाली शेल में फिल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई, गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको शॉर्ट में ईसी से भी डिनोट करते हैं, तो मैंने डायरेक्ट ईसी लिखा है, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 8 8 1, ठीक है। इसका मतलब पोटेशियम में 4 शेल्स होती है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8 और फोर्थ में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गाइस मेनली कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपनी थर्ड शेल को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रहने देते हैं, ठीक है, और बाकी के इलेक्ट्रॉन को फोर्थ शेल में डाल देते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। गाइस यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम का, ठीक है। गाइस सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, ठीक है। गाइस यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन का ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, गाइस 11 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि पहले हम फर्स्ट शेल पढ़ते हैं, तो फर्स्ट में 2 आ गए, ठीक है। सेकेंड शेल में 8 आ गए, क्योंकि 2 हमने जब यहाँ पे पढ़ दिए, तो टोटल यहाँ कितने बचे, 9 बच गए, तो
तो 9 में से 8 आ गए किसमें, सेकंड वाली शेल में, क्योंकि सेकंड शेल में सिर्फ 8 ही आ सकते हैं। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में आ जाएगा, थर्ड वाली शेल में। ठीक है, तो गाइस जो शेल को हम नेमिंग देते हैं वो कैसे देते हैं, के शेल जो फर्स्ट होती है, देन एल शेल, देन एम शेल, देन एन शेल, तो इस टाइप से नंबरिंग नेमिंग दी जाती है, के एल एम एन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब गाइस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में आ गया, के शेल में, मतलब फर्स्ट शेल में, 8 एल शेल में और 1 एम शेल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि सोडियम में कितनी शेल्स प्रेजेंट है, तो 3 शेल्स प्रेजेंट है, और हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पता चल रहा है। ठीक है, तो गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इस चीज को याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। ठीक है, और ये किसने बताया था, बोर एंड ब्यूरी ने बताया था, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 2n2, जिसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते बल्कि 2 से कम आ सकता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। सेम सेकेंड शेल में 8 से कम आ सकते हैं, बट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। ठीक है, बट गाइस मेनली हमें सिर्फ 1 to 20 एलिमेंट्स तक ही याद करना है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ वहीं तक आ रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस 1 to 20 एलिमेंट्स जो आप लोगों के सिलेबस में है मैं वो लिखवा रही हूँ, तो उसको लिख लीजिए और गाइस वो आप लोगों को लर्न करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। गाइस ये 1 to 20 एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। कई से 1 to 20 एटॉमिक नंबर है इन सब एलिमेंट्स के, तो इसको आप लोगों को लर्न करना है। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को लर्न सीक्वेंस वाइज ही करना है, 1 to 20 बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आप लोगों को लर्न करना है। गाइस अगर आप लोगों को ये लर्न हो गए इनके एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के थ्रू फिर आप मास नंबर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं, मेटल है या नॉन मेटल है वो भी पता कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें आप पता कर सकते हैं, बस आप लोगों को ये 1 to 20 एटॉमिक नंबर इनके लाइन वाइज ऐसे ही याद करना है। बस अगर आपने ये लर्न कर लिए तो आप इतनी सारी चीजें निकाल सकते हैं। उसके लिए एक ट्रिक होती है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में बताने वाली हूँ, बट उससे पहले आप लोगों को ये 1 to 20 एलिमेंट्स लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो गाइस इसको नोट कर लीजिए और इन्हें लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना सिखाती हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर सीखते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, गाइस सबसे पहले हाइड्रोजन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। गाइस हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है उसको हम लिखते हैं H11। ठीक है, अब इस सिंबल से हमें पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, मास नंबर कितना है, 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। गाइस न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से, तो मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0 होते हैं।
गाइस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये गाइस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। देन गाइस यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। गाइस यहाँ पे वन ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट शेल में सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब इसमें वन शेल ही होगी जिसमें वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। गाइस ये हो गया हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब इसमें सिर्फ एक ही शेल बनेगी, ओनली वन शेल है, और गाइस वन शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इसमें ये हो गया न्यूक्लियस, सिर्फ वन शेल है के शेल, और इसमें सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हाइड्रोजन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब मैं आप लोगों को ऑर्बिटल स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का बनाती हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन का बताती हूँ कैसे बनता है। सेकेंड नाइट्रोजन, गाइस नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है एन सेवन एंड 14। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7, मास नंबर कितना हो गया 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7, गाइस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 14 माइनस 7 दैट इज 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे कितने 5 इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड शेल में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 5 बचे हैं तो 5 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। गाइस इसमें 2 शेल है, 1 शेल एंड 2 शेल। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, यहाँ पे हमने बना दी 2 शेल्स। ठीक है, गाइस फर्स्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 एंड 2। देन सेकेंड वाली में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, गाइस कैसे फिल करेंगे? पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और फिर इसके बीच में। ठीक है, तो इस टाइप से फिल करेंगे। तो 2 शेल हो गई, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो गाइस ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजन का। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, अब आप लोगों को मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं। थर्ड इज मैग्नीशियम। गाइस मैग्नीशियम का जो सिंबल है Mg 12 एंड 24। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, गाइस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हो जाएंगे एटॉमिक नंबर के इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 24 माइनस 12, तो गाइस अगेन ये भी 12 हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गाइस 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे कितने अब 10। ठीक है, सेकेंड शेल में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 8 आ गए, अब कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो गाइस लास्ट वाली शेल में कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें 3 शेल प्रेजेंट है, कौन कौन सी? एक है के शेल, एक है एल शेल और एक है एम शेल। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। गाइस ये हो गया मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, 3 शेल्स प्रेजेंट है, तो 1 2 एंड 3, यहाँ पर हमने 3 शेल्स बना दी। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2, सेकेंड शेल में 8। अब गाइस इसको कैसे फिल करेंगे ये देख लीजिए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 4 और बचे, तो एक यहाँ पे इसके बीच में, एक यहाँ पे बीच में, एक यहाँ पे बीच में और एक यहाँ पे बीच में। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। गाइस ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग लाइन वाइज 8 इलेक्ट्रॉन्स बस बना दें और यहाँ की एरिया खाली छोड़ दें, ऐसा फिल मत कर।
करिएगा। कैसे फिल करेंगे आप इलेक्ट्रॉन को, पहले ऊपर फिर नीचे फिर लेफ्ट फिर राइट फिर इनके बीच में, ठीक है। अब कितने बचे लास्ट शेल में, टू, तो वन एंड टू, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, मैग्नीशियम का। तो गाइस इसी टाइप से आपको सबके स्ट्रक्चर बनाने हैं, सिंपल एटॉमिक नंबर गिवन है आप लोगों को, ये आपको याद करने हैं। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्योंकि सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे और फिर उस हिसाब से शेल्स पता चल जाएंगे आपको कितनी है, इसमें टू शेल, इसमें थ्री शेल, और हर एक शेल में आपको फिर उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। तो गाइस इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।